गणेश चतुर्थी आने वाली है तो गणपति के स्वागत के लिए एक झटपट बनने वाली सुपर स्पेशल स्वादिष्ट पान मोदक की रेसिपी आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इस मिठाई को बनाने के लिए आपको गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतनी क्विकली बन जाती है। आई होप ये आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो गणपति का नाम लेके इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कप डेसिकेटेड कोकोनट या सूखा हुआ रेता हुआ नारियल चाहिए। उसके साथ 2 से 3 पान के पत्ते चाहिए। इन पान के पत्ते को आप फाइनली चॉप कर लीजिए और फिर इसको डेसिकेटेड या फिर नारियल के बुरादे में ऐड कर दीजिए। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आप इसमें ग्रीन कलर डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है, इसको 1/4 टीस्पून डालना है। इसके बाद आप इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क डालिए। कंडेंस मिल्क डालने से आपको पहली बात तो बाइंडिंग मिलेगी मोदक में, और दूसरी बात आपको मीठा भी नहीं डालना पड़ेगा। इसके बाद आप 1/4 टीस्पून रोज़ एसेंस डाल दीजिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए कितने सुपर क्विक हैं, आपका एक्चुअल मोदक का बेस रेडी है। आपका नारियल और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर रेडी है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। इसकी फिलिंग में हम गुलकंद का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले 2 टेबलस्पून गुलकंद ले लेंगे। इसमें 2 टीस्पून सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके डाल देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट लेकर इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। अब गुलकंद और ये ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर का आप छोटी छोटी बॉल्स बना लें। देखिए इसमें आपको अच्छे से वीडियो में दिखा रही हूँ मैं, सारे गुलकंद और ड्राई फ्रूट्स का सेम प्रोसेस को रिपीट करके छोटे छोटे बॉल्स हम बना लेंगे। तो हमारी गुलकंद और ड्राई फ्रूट की फिलिंग भी रेडी है। तो चलिए अब पान मोदक को असेंबल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें ये मोदक बनाना वाला मोल्ड लेना पड़ेगा। इस मोदक मोल्ड को आप बंद करके सारे साइड से ये नारियल और कंडेंस्ड मिल्क से अच्छे से कवर कर दीजिए। जैसे मैं अपने हाथ से इस पूरे मोल्ड में अच्छे से लगा रही हूँ ताकि बाहर बाहर से ग्रीन नारियल की कवरिंग मिले। अब इसके अंदर आप गुलकंद की बॉल डाल दीजिए और उसके ऊपर ये कोकोनट वाला नारियल वाला मिक्सचर कवर कर दीजिए। इसके बाद आप इस मोल्ड को खोलिए और देखिए कितना सुंदर पान वाला हमारा मोदक रेडी है। अब गनु भैया को इस प्रसाद का भोग लगाइए। कितना अपीलिंग ग्रीन कलर हमारा आया है। इसी प्रोसेस से रिपीट करके आप सारे मोदक रेडी कर लीजिए। देखिए मैं फिर से ये स्टेप रिपीट कर रही हूँ। मोल्ड को खोलिए, आउटर कवरिंग पे आप नारियल का पेस्ट लगाइए, अंदर गुलकंद वाला बॉल भरिए, उसके ऊपर नारियल का मिक्सचर लगा दीजिए। फिर देखिए आपका मोदक रेडी है। प्रोसेस को रिपीट करके सारे आपके मोदक रेडी हो जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी को अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप करती हूँ कि आपको गनु भैया का ये प्रसाद अच्छा लगा होगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।